हाय फ्रेंड, वेलकम अगेन इन सिविल साइट नॉलेज। आज मैं आप सबको बताने जा रहा हूं कि अगर आपके पास 9 फीट बाई 9 फुट का जगह है, उस एरिया में आप स्टेयर कैसे बनाएंगे, कंफर्टेबल स्टेयर, स्टेयर का डिजाइन कैसे करेंगे, उसके बारे में आपको आइडिया देने जा रहा हूं कि कैसे बनाएंगे। एक यूट्यूबर का मेरे पास कॉमेंट भी आया कि सर, मेरे पास 9 फीट बाई 9 फुट का प्लॉट एरिया है और उस एरिया में मुझे स्टेयर बनाना है, कैसे बनाएंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसको बनाने के लिए मैं इनका प्लान पहले से कर चुका हूं कि इस टाइप के बनाएंगे। ये जो प्लान है इनका, तो यहां से स्टार्ट करेंगे, फिर लैंडिंग आएगा, फिर स्टेप आएगा, फिर लैंडिंग आएगा और यू टर्न के यहां तक आएंगे। यानी कि दो लैंडिंग इनको प्रोवाइड करना पड़ेगा अगर इस एरिया में बनाएंगे तो। बेस्ट मतलब यही होगा, दो लैंडिंग आपको क्या करना है, प्रोवाइड करना है। चलिए इसके बारे में मैं बता दूं कि ये प्लानिंग कैसे मैं किया हूं। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो जरूर इसको लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि मैं आप सबके लिए वीडियो बनाता हूं, आप तक नॉलेज पहुंचाता हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, कैसे बनाते हैं और इसका प्लानिंग करने के लिए क्या क्या आपको जरूरत होता है, मैं आपको बता दूं। सबसे पहले नंबर मैं आपको ये समझा दूं कि जब स्टेयर बनाते हैं तो थोड़ा आप ये समझिए, स्टेयर का सेक्शन आप जो अभी मैं दिखाया वो प्लान था, सेक्शन आप देखेंगे तो कुछ इस टाइप का सेक्शन दिखेगा। ठीक है, ये लैंडिंग तक गया, मिड लैंडिंग तक। तो मुझे इसमें करना क्या होता है, ठीक है। तो चलिए आप बेसिकली ये समझ लीजिए कि ये जो है, ये जो वर्टिकल हाइट जो शो कर रहा है, इसको हम आर बोलते हैं, राइजर बोलते हैं, और ये इसको ट्रेड बोलते हैं, टप्पा बोलते हैं, ट्रेड। ठीक है, तो आपको एक्चुअली में इसका नंबर ऑफ कैसे कैलकुलेट करेंगे कि नंबर ऑफ आर कितना होगा और नंबर ऑफ टी कितना होगा, ये ही कैलकुलेट आपको मेन करना होता है। जब आपके पास प्लॉट साइज है तो उसमें थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है। यही मैं एडजस्ट करने को तरीका मैं बता दूंगा कि अगर मान लीजिए, अगर प्लॉट साइज आपके पास पहले से अवेलेबल है 9 फीट बाई 9 फीट, तो इसमें थोड़ा आपको एडजस्ट करना पड़ता है, क्योंकि अगर आपके पास प्लॉट साइज नहीं है तो इसके अनुसार तुरंत डिजाइन कर दीजिएगा, यू सब में या एल सब में उतना जगह आप बना दीजिएगा। लेकिन जब ये है तो आपको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है, इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको चाहिए बिल्डिंग का हाइट, कि आप बिल्डिंग का हाइट जो स्लैब जो छत का हाइट कितना रखेंगे ग्राउंड फ्लोर से, तो बिल्डिंग हाइट चाहिए आपको, तो एच आपको चाहिए। तो ये हमने 10 फीट कंसिडर किया है कि बिल्डिंग का जो हाइट है, जो घर का हाइट है, जो छत स्लैब लेवल है, ये छत लेवल, ये 10 फुट है ग्राउंड से, तभी हम इसको बना पाएंगे। तो ये इन्होंने जो मेरे पास कमेंट किया है, सिर्फ जगह बताया है कि सर 9 फीट बाई 9 फुट मेरे पास जगह है, हाइट नहीं बताया, लेकिन मैं 10 फुट मान के चलता हूं। अगर हाइट बताते हैं तो मैं उनके अनुसार बता देता। ठीक है, अब देखिए आपको एक करना क्या है कि आर जो होता है आपका वर्टिकल डिस्टेंस करता है, और टी जो है आपका होरिजेंटल डिस्टेंस। देखिए जैसे 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 ये स्लोप में है, तो जैसे जैसे बढ़ रहे हैं तो ये स्लोप कर रहा है। तो इनके पास जो जमीन है ये 9 फुट बाई 9 फुट का है और इसी में मुझे बनाना है। तो चलिए नंबर ऑफ राइजर, एक इजी फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ राइजर कितना होगा, तो क्या करना है, नंबर ऑफ राइजर इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू बिल्डिंग का हाइट जो होगा 10 फुट डिवाइडेड बाई नंबर आर का लेंथ कितना, हाइट कितना लिखेंगे ये। तो ये स्टैंडर्ड हाइट अगर मैं बता दूं, स्टैंडर्ड रखते हैं तो 6 इंच रखिएगा, ये कंफर्टेबल होता है। अगर रेसिडेंशियल बिल्डिंग बना रहे हैं, कमर्शियल बना रहे हैं, बहुत सारे ये है, तो उसमें 5 इंच रख सकते हैं, इसे कम। अगर घर बना रहे हैं तो 6 इंच रखिए, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैंने 6 इंच एक स्टैंडर्ड रखा है, तो ये फीट में है, इंच में बदलने के लिए मैंने इसको डिवाइड कर दिया फीट में बदलने के लिए, तो 0.5 कर लेंगे, यानी कि 6 डिवाइडेड 12 करेंगे तो 0.5 आएगा। ठीक है, तो इसको कितना हो जाएगा, जब करेंगे 20 नंबर, यानी कि नंबर ऑफ आर निकल गया कि जब ये छत पे चढ़ने के लिए आपको नंबर ऑफ आर कितने होंगे, ये 1 2 3 ये कितने होंगे डॉट डॉट, ये 20 नंबर मान के चलते हैं ये होंगे। अब आपको टी निकालना है, यानी कि नंबर ऑफ टी कितना होगा, तो ये फॉर्मूला होता है R-1, यानी R यानी कि 20-1 यानी कि 19 नंबर। तो अब देखिए
टी जो देते हैं, अगर टी का विड्थ मैं आपको बता दूं कि इस यहां से ले यहां तक कितना आप देंगे, ये भी आपको नॉलेज होना चाहिए। तो टी ये तो मैं बताया 6 इंच देना है और 6 इंच का हाइट देना है, और ये टी जो देंगे आप कितना देंगे ये 10 इंच रखिएगा। कम से कम आपका पैर वहां आसानी से, यानी कि पैर का जो लोड होता है स्टेयर पर पड़ेगा पूरे अच्छे तरह से होना चाहिए, ताकि आपको चढ़ने में कोई परेशानी न हो के। तो लगभग आपको 10 इंच रखना पड़ेगा कि ताकि हम जो सीढ़ी पे चढ़े हैं तो हमारा जो पैर है पूरे टप्पे पे होना चाहिए, थोड़ा सा बाहर नहीं हुआ, क्योंकि अगर होता है तो आपके पैर में मोच आ सकता है, आप अच्छे से चढ़ नहीं पाएंगे। तो ये आपका होता है 10 इंच। ओके फ्रेंड, तो अब आपको कितना टोटल आ गया। अब समझिए कि इनके पास जो घर है उसके लिए आपको एक लैंडिंग की जरूरी होती है। मैंने बोला कि आपको लैंडिंग में दो प्रोवाइड किया। लैंडिंग क्या बोलते हैं कि अब लैंडिंग किसे कहते हैं आप समझ लीजिए। अगर ये चढ़ रहे हैं सीढ़ी पे तो अगर डायरेक्ट ना चढ़ा के बीच में लैंडिंग प्रोवाइड कर देंगे, फिर ऐसे करके ऐसे चढ़ा देते हैं कि ताकि आपका रिलैक्स हो गए यहाँ आप चढ़ें। तो डायरेक्ट अगर हाइट पर चढ़ते हैं तो आपको थकान होता है, तो थकान ना होने के वजह से बीच में लैंडिंग प्रोवाइड किया जाता है। जैसे कि मैं इस प्लान में एक लैंडिंग यहाँ और एक लैंडिंग दो लैंडिंग प्रोवाइड किया हूँ, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि 9 फुट जो जमीन है इनको क्या करना है आपको इंच में बदल लीजिए, क्योंकि पूरे इंच में आप दे रहे हैं तो इंच में बदल लीजिए। यानी कि जो प्लॉट एरिया आप थोड़ा समझिए, प्लॉट एरिया 9 फुट बाई 9 फुट का, अब आपको यहां समझना है यानी कि 108 इंच इधर है और 108 इंच इधर है, समझिएगा। और अब मैं बता दूं कि विड्थ ऑफ स्टेयर एक और आपको जरूरी होता है, विड्थ ऑफ स्टेयर। तो लगभग ये दो आदमी एक साथ आना जा सके, तो इसलिए विड्थ ऑफ स्टेयर ये होता है। तो ये 3 फुट में रखा हूं, कितना 3 फुट। तो यानी कि मैंने यहाँ 9 फुट है तो इन 3 भागों में ये 3 फुट रखा हूं। अब देखिए जो लैंडिंग होता है, जो मैंने बताया ये लैंडिंग किस पे डिपेंड करता है, कितना होना चाहिए, विड्थ ऑफ स्टेयर के लगभग बराबर लोग रखते हैं। लेकिन अगर हम ये नंबर ऑफ ए राइजर जो ट्रेड जी कितना है आपको 19 नंबर प्रोवाइड करना है, और एक आपको कितना प्रोवाइड करना है, एक कितने में प्रोवाइड करना है 10 इंच के बराबर प्रोवाइड करना है 108 इंच में। तो ये 3 फुट अगर हम लैंडिंग देते हैं तो ये तो 36 इंच चला गया आपका, कितने 36 इंच चला गया। बच्चा कितना आपका, ये लगभग 72 इंच बच्चा, यानी कि 72 इंच बच्चा है आपको, तो 72 में 10 करेंगे तो यानी कि 7 आ जाएगा, तो यानी कि आपको लगभग 7 आएंगे, समझिए आप। यानी कि ये जो होगा ये 6-6 10 इंच का होगा, ये जो होगा दूरी 10 इंच का होगा, ये 7 नंबर आएगा। तो ये आपका दूरी जो होगा आपका कितने के 7 इंच का, 10 इंच का आएगा, 10 इंच का ये आएगा। तो ये आपको मिल गया। और ये जो 70 होगा तो हम इसमें 2 38 कर दे रहे हैं, इंच कितना कर दे रहे हैं आपको 38 इंच कर रहे हैं, इसको 70 कर रहे हैं, 7 7 2 14 आपका सेम, जस्ट इसी को कॉपी इधर कर दीजिए। तो ये सेम आपका ऐसे जाएंगे और यूं करके, हम ऐसे जाएंगे और यूं करके फिर ऐसे करके यहाँ स्टेयर पे आएंगे, तो ये कितने हो जाएंगे 7 इधर भी हो जाएंगे, जो भी होंगे ये अभी जो मैं प्लान में बताया सेम आपको यहां से लेकर ये। अब बच्चा कितना आपका 14 तो हो गया, बच्चा कितना देना है 19 6, तो 6 में एक देखिए आपको मैं बताया था कि ये भी आपका एक हो गया। तो एक ये तो लैंडिंग ही आपका क्या हुआ, ट्रेड में ही काम आता है, ये जो लैंडिंग होता है ये ट्रेड का ही है एक तरह से, लेकिन इसका साइज बहुत बड़ा हो जाता है। यानी ये जो आपको हम दे देंगे आपका, अब ये 3 देंगे यहाँ, यानी 10 इंच का यहाँ 3 प्रोवाइड करेंगे, अभी मैं बताया था 3, यानी कि ये कितना हो गया 7, ये 8 हो गया, ये 9 हो गया, ये 10 हो गया, ये 11 हो गया, ये 12 हो गया, ठीक है, 12 हो गया आपका यहाँ तक, देखिए 12 हो गया, ये भी हम 3, यानी इस तरह से ये भी ये राइजर है, ये राइजर है आपका। तो 12 हो गया, 13 14 15 16 17 18 19, तो टोटल आपका 19 हो गया टी, यही आपको देना था टी। अब क्रॉस वेरिफिकेशन कर लेते हैं कि आर जो था 20 था, तो ये 20 क्यों है, तो आप देखिए कंफ्यूज मत होइए, ये जो है टी है, ये जो नेमिंग किया है मैं टी है, और आर जो देख रहे हैं ये लाइनिंग वाला जो है
यही आ रहे थे, अगर ये काउंट करेंगे ये पूरे तो ये 20 आ जाएगा। एक लैंडिंग यहाँ स्लैब में आ जाता है, यहाँ स्लैब का हाइट है और ये ग्राउंड फ्लोर से आप चढ़ रहे हैं, आप ध्यान दीजिए। तो इस तरह से मैं इनका डिजाइन किया हूँ। तो ये आपका हो जाएगा 38 इंच, ये जो दूरी हो जाएगा ये 70 हो गया, ये 38 इंच 30 इंच बचा, और ये 10 इंच, ये 10 इंच, ये 10 इंच, ये टोटल कितना होगा आपका 30 इंच हो जाएगा, ठीक है। और इधर 39 इंच 39 इंच, ये पूरा इस तरह का इनका प्लान है, इस तरह आपको बनाना पड़ेगा। ओके फ्रेंड, अगर आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब।